मेरा मोहम्मद रमज़ान एज ए स्टेशन मास्टर यहाँ पर गोलरा स्टेशन में अपॉइंट हूँ। तकरीबन मुझे 8 साल हो गए हैं यहाँ पर मेरी एज ए स्टेशन मास्टर अपॉइंटमेंट हुई है। मैं एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 78 में अपॉइंट हुआ था। गोलरा स्टेशन हमारा एक ये नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से मुनफरिद हैसियत रखता है। यहाँ के दरख्त बैनियर ट्रीज़ और पीपल के दो टाइप के दरख्त हैं, ये तकरीबन 150 साल पुराने दरख्त हैं। हिंदू और सिख इन दरख्तों की पूजा किया करते थे। ये ब्रिटिश दौर के लगाए हुए दरख्त हैं और स्टेशन की नेचुरल ब्यूटी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं ये दरख्त। स्टेशन मास्टर की एक बहुत बड़ी टफ जॉब है और रेस्पॉन्सिबल जॉब है, जिसमें मुसाफिर को हम टिकट तो उससे लेते हैं टिकट के पैसे, और उसकी सेफ़ एंड साउंड अपनी मंजिल पर पहुंचाने की गारंटी ये हमारे ज़िम्मे होती है, स्टेशन मास्टर के ज़िम्मे, कि हम उसको किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। वो बेचारा तो गाड़ी में बैठा हुआ है, खुश है, जा रहा है, उसको तो नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या हो रहा है। हम नहीं, उसको सेफ़ एंड साउंड पहुँचाना है, उसकी गाड़ी को प्रॉपर लाइन से गुजारना है, एक्सीडेंट से अवॉइड करना है, किसी गाड़ी से टकराना जाए, ये स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में शामिल है। फिर आगे आके स्टेशन मास्टर की ड्यूटी 24 आवर आ जाती है। वो 24 आवर का एक किस्म का रेलवे सर्वेंट होता है, मुलाजम होता है, एनी इमरजेंसी में भी उसको घर से भी कॉल करके ड्यूटी पर बुला लेते हैं। मोहम्मद खुर्शीद नाम है मेरा। एज असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ग्रेड 2 यहाँ पर मैं अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहा हूँ। रोड ट्रैफिक में एज सच कोई ऐसा सिस्टम वाहनों ने एक अडॉप्ट नहीं किया होता, जस्ट सिग्नल सिस्टम होता है और वो भी शहरी एरिया में होता है, वो जिस तरफ से आप जाएँ वो बेगम जा सकते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में मोस्टली जो है वो सिंगल लाइन है, यानी आने का रास्ता भी वही है और जाने का रास्ता भी वही है। लेकिन हमने ट्रेन तो चलानी है, उसके लिए फिर हमने कुछ मतलब उसके लिए बाइलाज कोई सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। ब्रिटिश ने 10 ईयर्स 10 साल की मुसलसल काविज से ये रूल बनाए थे। बगैर इस रूल के तहत कोई गाड़ी भी किसी एक स्टेशन से भी हिल नहीं सकती। एक ट्रेन यहाँ से 2 स्टेशन पीछे से निकलती है तो जो पीछे वाला स्टेशन है वो उस ट्रेन को आगे चलाने के लिए जो है वो मुझसे अथॉरिटी मांगता है। वो अथॉरिटी हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट भी लगे हैं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट पे भी हम उसको देते हैं अथॉरिटी। उसके अलावा जो है हमारे वो कोड्स होते हैं, एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया हुआ वो कोड हम देते हैं। वो उस पर जो जैसे आपने देखा है कि अभी ट्रेन जा रही थी, वो बंदा उसको एक डॉक्यूमेंट्स पकड़ा रहा था, वो लाइन क्लियर अथॉरिटी होती है। दैट मीन्स कि आप जो है वो स्टेशन छोड़ के तो पीछे वाला जो ट्रैक है उसमें आप एंटर हो सकते हैं, और वो ड्राइवर के लिए वही अथॉरिटी है कि जी आगे साफ़ है, क्योंकि वहाँ से ड्राइवर को तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट होता है या वो जो अथॉरिटी वो सिग्नल जो होता है उसके लिए अथॉरिटी है। ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं ये गलती नहीं करने देते। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये हमारी जहनी होती है, उमंस जिसको कहते हैं, कि इंसानी जहन की गलती होती है। इंस्ट्रूमेंट हमें किसी गलत चाबी को ही हम हाथ लगाएंगे तो वो नहीं आएगी। अगर स्टॉपेज ट्रेन का लाइन क्लियर हमारे पास हो रहा है तो फिर हम अपने साथ कैबिन मैन जो होते हैं, जो रूट सेट करते हैं, उनको हम बताते हैं कि फ़लाँ नंबर प्लेटफार्म लाइन है जी, बाकायदा उनसे नंबर एक्सचेंज होते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुलकरनैन है और पोस्ट मेरी जो है वो केबन मैन की यहाँ पे है, एज ए पॉइंट्स मैन भी इसे कहा जाता है सर। और देखने में तो ये काम आपको आसान नज़र आ रहा है, लेकिन बजाय ये बहुत ज़िम्मेवारी वाला सर काम है। ये जिस टाइम भी ट्रेन आती है, मिसाल के तौर पे दिन में अगर हम 8 घंटे ड्यूटी पर बैठे हुए हैं तो तकरीबन 5 से 6 ट्रेनें आती हैं, तो 5-6 ट्रेनें जब आती हैं तो ये हमें उन ट्रेनों के लिए कांटे बदलने पड़ते हैं। ये कांटा दरअसल सर पीछे से जब ट्रेन आती है, मिसाल के तौर पे अब यार्ड स्टेशन का जो यार्ड होता है ना, उस यार्ड के अंदर होती हैं 6-7 लाइनें बिछी हुई होती हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जब स्टेशन के एरिया में ट्रेन आती है तो पीछे से एक पट्टी पे ट्रेन आ रही होती है, आगे से यार्ड के अंदर और भी ट्रेनें खड़ी हुई होती हैं, तो ये हमें स्टेशन मास्टर इन्फॉर्म करते हैं कि फ़लानी पट्टी पर हमने ट्रेन को लेना है।
तो यहाँ से फिर हम कांटा चेंज करते हैं, जिस पटरी पे स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को लेना होता है वो मैं पहले रजिस्टर पे बकायदा लिखवाता भी है और बताता भी है कि मिसाल के तौर पर 2 नंबर पट्टी पे लेना है या 3 नंबर पे लेना है। फिर उसके हिसाब से ये स्लॉट लगे हुए हैं पीछे, तो ये स्लॉट आते हैं, इसको भी हमें देखना पड़ता है कि ये कौन सा स्लॉट अब बज रहा है, तो उसके हिसाब से हम पटरी चेंज करते हैं, कांटा बनाते हैं, ताकि आगे जो ट्रेनें यार्ड के अंदर खड़ी हुई हैं उनके साथ ये जो ट्रेन आ रही है मतलब है टकरा ना जाए। जो पटरी खाली होती है, यार्ड के अंदर 6-7 पटरी लाइनें होती हैं बिछी हुई होती हैं, तो जो पटरी खाली होती है उस पटरी से हमें ये ट्रेन को गुजारना पड़ता है। तो ये इस वजह से हमें जो है ना लाइनें बनानी पड़ती हैं, कांटा बनाना पड़ता है, उसके बाद हम सिग्नल डाउन करते हैं और ड्राइवर जो होता है वो सिग्नल को देख कर यार्ड के अंदर जो है दाखिल होता है। ये दरअसल ज़ोर वाला भी है और इसमें थोड़ी सी तजर्बे की भी बात है सर। दूर दूर ये कांटे बिछे हुए हैं पटरी के, दूर दूर पटरियाँ बनी हुई हैं, तो ये ज़ोर मांगते हैं। शार्टेज की वजह से जो है ना हमें पिछले अरसे में कुछ लंबी ड्यूटियाँ करनी पड़ गई थी, हमने 48-48 घंटे भी ड्यूटी, 2-2 दिन भी जहाँ हम रहे, एक एक बंदा हम रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये थी शार्टेज बहुत ज़्यादा थी, 2-2 बंदे हम होते थे, तो अब मिसाल के तौर पर किसी बंदे की मजबूरी बन गई है तो वो नहीं आ सकता था ड्यूटी को, फिर हमें अकेला रहना पड़ता था। तो अभी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा रेलवे जो है वो बहाली की तरफ गामजन हो चुकी है और बर्थी भी जूं जूं बाहर रेलवे हो रही है और साथ साथ ये बर्थी भी कर रहे हैं और शार्टेज ख़त्म हो रही है और इंशाल्लाह हमें जो है ना अच्छा महसूस हो रहा है। और देखा जाए तो ये ड्यूटी पर जाते आपको आसान नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत ये हार्ड काम है, एक जिम्मेवारी इसमें बहुत है कि बंदे को बिल्कुल बैठना पड़ता है अलर्ट होके, जिस तरह एक आर्मी वाले होते हैं ना वो हिसाब आप सर समझ लें, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा मसला बन सकता है। हमारे पास जो की स्टाफ हमारे पास है वो ट्रैक की पेट्रोलिंग करता है, वो की मैन कहलाता है। की मैन मतलब ये होता है कि जो हमारा ट्रैक या उसमें मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं उनको उसमें चेक करना होता है, उसका एक मखसूस इलाका होता है तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का, वो उसने डेली विज़िट करना होता है। तो उसने फिर वो चेक करता है कहीं से लाइन टूटी हुई नहीं है या कोई नट बोल्ट खुला हुआ नहीं है या कोई स्लीपर डैमेज हो, वो सारा कुछ उसका ज़िम्मेदारी होती है चेक करना। मेरा नाम है रफाकत अली, मैं शासीना भर्ती हाँ, तो इतनी लैंड पहले बाजी ने काम करने रहे हैं, फिर असी 18 साल हुए साड़ी सिलेक्शन हुई है, साडा काबिले रैंच की मैन बनाया गया है, फिर असी काबिले रैंच चार्ट कर लग पे हाँ, पटली सुबह सुबह असी 7 बजे लैंड चढ़ने हैं, शामी 4 तक लैंड रवान दवा करने लैंड चेक करना, तो काबला तोड़ के नवा पाना, ट्रेन आवे असा लैंड गुजारना, तो 6 किलोमीटर उधर जाने 3 किलोमीटर उधर जाने 3 किलोमीटर उधर 6 किलोमीटर साढ़े को एरिया है, असी फिर के अपना काम चेक करने तेज थली धुप हो गर्मी हो बारिश जोर नाल हो ना तम तूफान हो तो असा पटली चेक करनी है, असा बहना नहीं, साढ़े को बेलचा उसी पटली पानी ना मार करे, असा सारा दिन लैंड चेक करनी है, तो असा सिर्फ छुट्टी होनी अद्धा घंटा रोटी खाधी फिर लैंड चल पाया, कोई काबला तुट वजे गड्डी ट्रैन तू पहले असा काबला पाना है या ट्रैन आवे तो काबला कोई नुकसान ना हो जे असा नहीं ड्यूटी है। नेशनल लेवल का एक हेरिटेज है। जब ये हेरिटेज बनने की बात आई तो हमारे स्टेशन को पहले नंबर पे चॉइस किया गया। 2002 में यहाँ पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने एक म्यूज़ियम तामीर किया जो आम पब्लिक के लिए ओपन है। एक्चुअल यूरोपीय यूनियन की ख्वाहिश थी कि हमारे आबाओ अजदाद की चीज़ें जो किसी एक जगह पर इकट्ठी की जाए म्यूज़ियम की शक्ल में, तो उन्होंने फिर रेलवे स्टेशन गोलरा को चॉइस किया। गोलरा स्टेशन की जोग्राफियाई हदूद तो आप एक तरफ देखें कि अम्बेसीज इस्लामाबाद करीब हैं, ज़्यादातर फॉरनर जो हैं अम्बेसीज के लोग इस म्यूज़ियम को देखने के लिए आते हैं,
उस वजह से भी इसको चॉइस किया गया। उसके अलावा आप बिल्डिंग ही स्टेशन की देख लें, ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग है, 1881 की ये बिल्डिंग है यहाँ पर, और उसी तरह की ये बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है जो बाहर से देखने वालों के लिए एक अट्रैक्शन पैदा करती है। इसमें 150 साल पुरानी चीज़ें जो ब्रिटिश दौर में इस्तेमाल हुई हैं वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ एंटीक गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक गाड़ी JR जोधपुर रेलवे के नाम से है जिसमें महाराजा जोधपुर साहब सफ़र किया करते थे। बाद में सुना था कि ये गाड़ी महाराजा जोधपुर साहब ने अपनी बेटी को जहेज में दे दी थी। उनकी वफात के बाद ये उनकी बेटी स्पेशल इस गाड़ी में सफ़र किया करती थी। ये पार्टीशन के टाइम हमारे हिस्से में आई है। ये मीटर गेज की गाड़ी है, ये हैदराबाद से मीरपुर का खास की तरफ जो लाइन जाती है ये मीटर गेज की थी। एक और हिस्टोरिकल ट्रेन जो हमारे पास मौजूद है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वासराय हिंद जो थे उन्होंने मिस्टर जिना कायदे आज़म साहब के साथ इकट्ठा सफ़र किया था। एक पॉलिटिकल ये एक जर्नी थी, कराची से लाहौर तक वो आए थे। इस गाड़ी को भी एक तारीखी हैसियत अख्तियार होगी, ये भी हमारे पास खड़ी हुई है। कुछ माउंटबेटन की ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें हैं वो भी हमारे म्यूज़ियम में मौजूद हैं, जिस तरह के एक हीटर नुमा बर्निंग विद कैरोसिन ऑयल चूल्हा भी पड़ा हुआ है, चूल्हे का भी काम देता है और हीटर का काम भी देता है। फिर उसकी कुछ कुराकरी है जिसके ऊपर एक आप देखेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर का मोनोग्राम बना हुआ है। बेल्जियम की गनें हमारे पास मौजूद हैं जो स्पेशल ब्रिटिश इस्तेमाल किए करते थे, वो एंटीक चीज़ है, वो 1879 की वो बनी हुई गनें हमारे पास बेल्जियम की मौजूद हैं जो रेलवे सिक्योरिटी के लिए हमारे रेलवे पुलिस इस्तेमाल करती थी। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक इंस्ट्रूमेंट तारीखी जो 65 की वार में कुछ इलाके पाकिस्तान आर्मी ने कैप्चर किए थे, उनमें एक खेम करन का स्टेशन वो भी पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में आ गया था। रेलवे स्टेशन है खेम करन, खेम करन से हमने टोकन इंस्ट्रूमेंट एक हमारे म्यूज़ियम की जीनत बना हुआ है, एक तौर पर आप उसको हमारे फतह की निशानी भी कह लें, वो हमारे म्यूज़ियम में मौजूद है। वो लोग भी देखते हैं खेम करन का इंस्ट्रूमेंट, टोकन इंस्ट्रूमेंट, वो भी लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, बड़े खुश होते हैं। हमारे पास एक चाबी है, उसको हम करिश्मा साज चाबी कहते हैं। इंसानी इकदार के लिहाज से वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। पार्टीशन के वक्त जो लोग वहाँ से माइग्रेट करके आते थे इंडिया से पाकिस्तान की तरफ, उनको रास्ते में हिंदू और सिख बलवाई जो उनसे थे वो कत्ल कर देते थे। बहुत सारा नुकसान हुआ, जानी भी माली भी। तो मेजर रफ़ी साहब थे, इनको ये टास्क दिया गया कि आपने ये 500 रेफ्यूजीज़ हैं, एक ट्रेन में उस वक्त आ रहे थे, 5 डिब्बे थे, हर डिब्बे में 100 रिफ्यूजीज थे, उनको आपने सेफ एंड साउंड पाकिस्तान पहुंचाना है। मेजर साहब अकेले गए, इनकी ज़रूरतमंदाना ज़रूरत को हम सलाम करते हैं कि अकेले वहां पर गए, उन्होंने 500 रेफ्यूजीज़ को गाड़ी में सवार किया। एक चाबी होती है जिस चाबी के ज़रिए गाड़ी के हमारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं और उसके बगैर वो खुलते नहीं हैं। उस चाबी से मेजर साहब ने दरवाजे लॉक करके 500 रेफ्यूजीज़ को गाड़ी में सवार किया
और शो किया कि ये एक मिलिट्री स्पेशल ट्रेन जा रही है, कोई हिंदू और सिख इस गाड़ी के करीब नहीं आएगा। खुद अकेले इंजन पर गन लेकर बैठ गए थे। उनकी इस काविज से पहली ये गाड़ी सेफ एंड साउंड 500 रेफ्यूजीज को लेकर कराची पहुंची थी। मेजर साहब को पाकिस्तान आर्मी ने तगमा जुर्रत दिया था। अभी रिसेंटली मेरी प्रमोशन हो गई है एज ए स्टेशन सुपरिटेंडेंट, गुजरांवाला में मेरी पोस्टिंग हुई है, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा कि इस स्टेशन की, एक तो मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई थी कि मैं म्यूज़ियम इंचार्ज था यहाँ पर, ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त जो दी थी। उधर शायद इस तरह की इज़्ज़त, प्रमोशन होने के बावजूद भी शायद इस तरह की मुझे इज़्ज़त वहाँ ना मिले।